नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजा पर स्वागत करता हूं आपका केटीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की तहसील वजीरपुर में ओलों की जमकर हुई बारिश। सुबह से चल रही थी सर्द हवाएं, शाम होने के बाद अचानक से ओलों की बारिश शुरू होने लगी। करीब 20 मिनट तक हुई बरसात, जिसमें मटर के दाने और उससे भी बड़े ओले ऐसे बरस रहे थे कि कुछ ही देर में सभी रास्तों में ओलों की चादर बिछ गई। साथ ही बिजली के चले जाने पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। हेलो, मैं सोनलाल माली किसान को काम करता हूं, और ये फसल पहले तो जानवर बचाएं और फिर अब जन का बन रहो होगा फसल। कितने को कितने कितने ओले आए, कितनी देर तक आए? 20 मिनट। पीछे कैसे पत्रकार हो, सबन के तले हो कि निश्चित तौर पे ओलावृष्टि हुई है, उसका सैंपल हमारी पटवारी के द्वारा किया जा रहा है और तत्पश्चात हम एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी वहाँ नियुक्त करेंगे कि वो सर्वे करें कि कितना किस फसल का खराबा हुआ है। तत्पश्चात उसी अनुसार हम आगे रिपोर्ट प्रेजेंट करके पेश करेंगे ताकि किसानों का हर संभव तरीके से लाभ दिया जा सके या उनकी मदद की जा सके। राजस्थान के करौली जिले की तहसील हिंडौन सिटी के खेड़ी घाटम गांव स्थित चौथ माता मंदिर पर गुरुवार को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिलकुटा चौथ व संकट चतुर्थी व्रत मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित गोविंद साय शर्मा ने बताया कि इस दिन सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए चौथ माता मंदिर की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। कुशलगढ़ विकास अधिकारी राम खिलाड़ी मीना ने संभाला कुशलगढ़ विकास अधिकारी का पदभार। कार्मिकों से हुए रूबरू, महानरेगा पेंशन पालनहार पर दिया जोर। इससे पूर्व विकास अधिकारी शर्मा नंदलाल डोडियार रहे मौजूद मीनापुर में भी कुशलगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी रहे। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये थी हमारी आज की ताजा खबरें। दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे केटीएस न्यूज चैनल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।